नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल भोपाल से। आज हम बात कर रहे हैं संतानहीनता में पुरुष की जांच, यानी कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है कि नहीं, हम कैसे पता लगाएं। हमने अपने संतानहीनता के पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी यानी पुरुष की वजह से प्रेगनेंसी ना ठहर पाना 100 में से 30 या 40 दंपत्ति में देखने के लिए मिलती है। बात अब ये आती है कि अगर ऐसा है तो हम ऐसे कैसे टेस्ट कराएं जिससे हमें ये समझ में आए कि मेल पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी हम मेल पार्टनर के टेस्ट की बात करते हैं तो दो टेस्ट ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट इज सीमेन एनालिसिस, यानी कि शुक्राणुओं की जांच। शुक्राणुओं की जांच जो होती है वह 2 से 7 दिन के परहेज के साथ होती है। अगर यह परहेज कम है 2 से 10 दिन का तो हो सकता है कि काउंट कम आए, यानी कि नंबर ऑफ शुक्राणु कम आए, और अगर यह 7 दिन से ज़्यादा है तो हो सकता है कि शुक्राणुओं की गतिशीलता कम आए। नॉर्मली यह काउंट 15 मिलियन यानी कि 15 मिलियन पर ml के आसपास नॉर्मल माना जाता है, लेकिन यह जस्ट एक पासिंग मार्क टाइप का है कि 15 मिलियन है तो ठीक है, अच्छा काउंट क्या है 40 या 40 मिलियन से ऊपर। इसका दूसरा पैरामीटर होता है कि शुक्राणुओं की गतिशीलता कैसी है। 40% अगेन ये पासिंग मार्क्स टाइप का है, 70% या उससे ऊपर अच्छा माना जाता है। फिर उसके बाद आती है शुक्राणुओं की बनावट कैसी है, 4% से ऊपर नॉर्मल शुक्राणुओं की बनावट नॉर्मल मानी जाती है। ये एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है जो ऑलमोस्ट बहुत फ्रीली अवेलेबल है। कॉस्ट मुश्किल से 200 से 300 रुपये के बीच की आती है और ये कहीं भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी एक शुक्राणु की जांच एबनॉर्मल आती है तो हमें कुछ उसमें पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शुक्राणु गिर गए, आपने जब जो है कलेक्शन किया और शुक्राणु गिर गए और उस वजह से रिपोर्ट एबनॉर्मल आई। तो वो हम देखते हैं शुक्राणु का वॉल्यूम कितना है, सीमेन का वॉल्यूम कितना है, जो कि सामान्यतः 2 ml से ऊपर नॉर्मल माना जाता है। और अगर वॉल्यूम टेस्ट ठीक है तो फिर कुछ pH करके एक टेस्ट और फ्रक्टोज टेस्ट लगा कर देखा जाता है कि यह शुक्राणु का सैंपल है कि नहीं है। तो फर्स्ट चीज़, अगर आपकी शुक्राणुओं की जांच नॉर्मल है और आपको साथ रहने यानी कि रिलेशंस में कोई दिक्कत नहीं है तो मेल फैक्टर पूरी तरह से नॉर्मल माना जाता है। यही दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अब बात आती है कि अगर हमारे शुक्राणुओं में कुछ दिक्कत है तब हमें आगे क्या टेस्ट की ज़रूरत है या हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है। जब भी आपके शुक्राणुओं के टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपको कुछ एडिशनल टेस्ट की ज़रूरत हो। इसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है स्क्रोटल सोनोग्राफी, यानी कि स्क्रोटम की सोनोग्राफी, जिसमें कि यह देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नसें फूली हुई हैं, जिसको कि हम वेरिकोसील बोलते हैं, या कुछ और एनाटॉमिकल डिसऑर्डर्स है कि जैसे कि टेस्टिस छोटी हैं या टेस्टिस डिसेंट अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से शुक्राणु में प्रॉब्लम आ रही है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी संरचना जिसको हम माने कि पूरी तरह से हम सर्जरी करा के ठीक कर दें और शुक्राणु बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन सिर्फ 2 हैं। पहली वेरिकोसील, अगर ये Grade 3 या 4 है, जो अपने आप में पूरा सेपरेट टॉपिक है, और दूसरा अगर आपका पहले वेसेक्टमी यानी नसबंदी का ऑपरेशन हुआ है तो वो रिवर्सल यानी कि उसको रीओपन किया जा सके। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार ऑपरेशन के बाद शुक्राणु काउंट नॉर्मल कर सकती हैं। इसके बाद आता है कि कब हम शुक्राणु को एबनॉर्मल माने। कोई भी शुक्राणु अगर 10 से 15 मिलियन के बीच में है तो हम इनको माइल्ड मेल फैक्टर यानी मामूली प्रॉब्लम है। इस केस में हम दंपत्ति में IUI ट्राई कर सकते हैं। IUI यानी अंडे बनने के इंजेक्शन और गोलियां देकर पति के शुक्राणु गर्भाशय में डालना, यह मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन अगर काउंट 10 मिलियन से कम है तो फिर यह क्लियर कट इंडिकेशन है कि आप सीधे सीधे टेस्ट ट्यूब बेबी में चले जाएं। टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति में ICSI द्वारा आपके हर एक अंडे के लिए 1 से 2 ही स्पर्म चाहिए, और यह पद्धति 1990 के आसपास आई है और अपने आप में मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में वरदानदायक है। अगर आपके शुक्राणु काउंट 0 आ रहा है तब आगे कैसे प्रोसीड करना है। तब इस समय डॉक्टर ये देखते हैं कि आपकी शेविंग यानी कि आप दाढ़ी ऐसा तो नहीं है कि बहुत लेट बनाते हैं,
इन केसेस में कई बार ऐसा माना जा सकता है कि अगर आपकी दाढ़ी आ नहीं रही है या बहुत लेट बनाते हैं कि पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल डेफिशिएंसी है, जो कि हम FSH और LH नाम के हार्मोन नाप के देख सकते हैं। अगर ऐसा है तो इसको हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म बोलते हैं, और इसमें अपने आप में इंजेक्शन लगते हैं जो कि डेली लगने होते हैं, और कई बार 6 से 9 महीने इंजेक्शन लगने के बाद शुक्राणु काउंट नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कई बार शुक्राणु काउंट अगर कम है तो डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद जो है कुछ गतिशीलता ठीक हो जाए या फिर नंबर बढ़ जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में शुक्राणु में अंतर 1 या 2 मिलियन का ही आता है। अगर आपका 10 मिलियन से काउंट कम है तो आपको टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर शुक्राणु काउंट बिल्कुल 0 है तो क्या हमें खुद की प्रेगनेंसी नहीं हो सकती? कई बार ऐसा होता है कि कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कहीं नलियों में ब्लॉकेज होता है, तो टेस्टिस यानी कि अंडाशय में तो शुक्राणु बन रहे हैं लेकिन नलियों में ब्लॉकेज की वजह से शुक्राणु बाहर नहीं आ रहे हैं। इन केसेस में शुक्राणु को अंडकोश से एक बायोप्सी, जिसको कि हम टीसा या माइक्रो टीसा बोलते हैं, उसके द्वारा निकाल के टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति, जिसको कि हम ICSI बोलते हैं, उस पद्धति द्वारा आपके खुद की प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पुरुष संतानहीनता में बहुत ज़्यादा दवाइयों गोलियों का रोल नहीं है, तो इसलिए अगर आपके शुक्राणु कम आ रहे हैं 10 मिलियन से तो आप बिल्कुल भी नहीं सोचें, सीधे सीधे टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जाएं और अपनी संतान प्राप्त करें। यह मेरी सारी जानकारी मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी से संबंधित। आपको अगर इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर शेयर करें। धन्यवाद।